Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charanodayam Gopijano Vanchakalpadarvascha kipasindu bevacha Patitanam pavane bhavishnavibhyo namo nama Mukam karoti vachalam pangum langhet girim Jyat kipatam hangavande paramananda madhava Brindavai tulsidebhai piyavai keshvasvacha Shna Bhakti Vade Devi Shottavatvai Namo Namaha Narayana Namaskitta Naranjaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Jukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarana Deyam Sada Paribhavagnam Abhishchaduham Tithas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Bhetatiham Panutabal Bhavadibhutam Bande Mahapurusate Charna Bindam Yat Pada Pallavana Kachanda Manichatai Bispurajita Gimapigavadushwadars Purna Nuragrosa Sagra Sara Murti Saradhikami Kada Kifam Kurus Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Sri Adyaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adyaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ajahn Lambita Bhujo Kanaka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yataksha Vishambaro Vijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita Bhujo Kanaka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yataksha Visham Baro Dijabaro Jugadhar Mupalo Bande Jagat Priyakaru Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Tada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tavam Bhagam Narayano Priyamanangamada
वाराणसीपुरपति हजवीशनाथम वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जश च वक्षसि जशास्ति हृदय संविहित त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलायां लवेनापि न सर्गम् न पुनः अपुनर्भवम् भगवत संग संग समर्तानां किमुताशिषः। तुलायां लवेनापि न सर्गम् न पुनर्भवम् भगवत संग संग समर्तानां किमुताशिषः। गौड़ीय गोष्ठीपति शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताए, अगर हमारा तकदीर बहुत अच्छा है, सत्संग मिल गया, तो समझ लो कि भगवान ने कृपा करके सत्संग मिला दिया। सत्संग प्राप्ति पुंगीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचित। सत्संग मिलना कोई आसान बात नहीं है, और साधु संग के अलावा भगवत भजन तथा भगवान का पास पहुंचना असंभव है, संभव नहीं। इसीलिए चैतन्य चैतन्यमित्र में बोला गया, कृष्ण भक्तिर जन्म मूल है साधु संग। द वेरी रूट कॉज ऑफ कृष्ण भक्ति इज कॉल्ड साधु संग। साधु संग का महिमा अपार, लेकिन पहचानना मुश्किल है कौन साधु है कौन साधु नहीं है, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताएं, जब आप देखोगे किसी व्यक्ति भक्तों का बेस लेकर गुरु शुद्ध गुरु वैष्णव का खिलाफ है, जब आप देखोगे कोई व्यक्ति रावण का मापी साधु का बेस लेकर सन्यासी का बेस लेकर आचार्यों का बेस लेकर आसन पर बैठकर आचार्यों का, लेकिन शुद्ध गुरु वैष्णव के खिलाफ है, उसका विरोध कर रहा है, तो यूं समझ लो कि 100% दे आर ऑल डेमोन, ये लोग असुर हैं, समझ लेना। बाहरी बेस क्या है ये सबसे बड़ा बात नहीं है, किसी व्यक्ति का बाहरी बेस ड्रेस क्या है ये सबसे बड़ा बात नहीं है, क्योंकि बेस कोई भी ले सकता है। जैसे रावण संतों का बेस बनाया था, सन्यास का बेस बनाया था, तो कि इसमें क्या आता जाता है। साधु तो बाहर का बेस नहीं है, साधु अंतकरण को साधु बोला जाता है, बाहर का बेस साधु नहीं है। जो सद्धर्म का पालन करे वही साधु है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज साधु संग होना क्या जरूरी है? बोले विशेष जरूरी है, इट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंसी, बहुत इम्पॉर्टेंट। पापा जी ने बोला, निश्चित साधु संग होना बहुत जरूरी है। अगर बाहरी दुनिया में कोई साधु संग नहीं मिल रहा है, आप जिस अवस्था में विराजमान हो, जिस सिचुएशन में जहाँ भी हो, वहाँ अगर चारों ओर कोई साधु नहीं है, मैं मतलब साधु का जो आचार आचरण आदर्श कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ता,
वे साधु का वेश लेकर बहुत सारे आदमी हैं, इसका बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर साधु संग नहीं मिल रहा है, वास्तविक रूप से अगर साधु संग नहीं मिल रहा है, तो गुरुवर्ग ने उपदेश दिया, एक काम करो, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में जो सब संत संत महात्मा का वर्णन है, कम से कम इन लोगों का संग करो। डायरेक्ट साधु संग तो बहुत जरूरी है ही है, लेकिन अगर ना मिले तो क्या करें। और बाहरी दुनिया में साधु संग मिले वो तो अच्छा है, फिर भी अंतर में साधु संग जरूरी है। अर्थात बाहरी दुनिया में साधु संग अगर मिल भी रहा, फिर भी अंतर में ऑलवेज कंटिन्यूअस साधु संग जरूरी है। गुरु संग साधु संग नहीं होने से होता नहीं। तो पोपा जी ने बोला, बताया, किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, साधु का संग क्या विशेष जरूरी है? पोपा जी ने, यस जरूरी है, साधु का संग इनएविटेबल अनअवॉइडेबल जरूरी है। लेकिन अपना अधिकार का मुताबिक साधु संग मिलता है, समझा नहीं? अपना अपना अधिकार का मुताबिक साधु संग जरूरी है, क्योंकि अधिकार अगर नहीं है तो कोई बड़ा संत महात्मा परमंशो अवधूत का संग करने जाए तो इसमें आपका दोष दर्शन हो जाएगा, अपराध बैठेगा, उल्टा हो जाएगा। इसीलिए अपना अपना अधिकार का अनुसार साधु संग जरूरी है। इसका बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया, कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव के लिए कैसा साधु संग जरूरी है, मध्यम अधिकारी वैष्णव के लिए कौन सी साधु संग जरूरी है, मध्यम अधिकारी में एकदम उत्तम अवस्था में किसका संग जरूरी है। साधु संग जरूरी है हर वक्त, अधिकार का अनुसार साधु संग होता है। इसीलिए याद है आपको, आप लोगों को याद है शायद, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया जे अपना ही संप्रदाय का, अपना ही संप्रदाय का अपने से, अपना ही संप्रदाय का अपने से ऊंचा साधु का संग जरूरी है। अपना ही संप्रदाय का, अपना ही संप्रदाय का अपने से ऊंचा साधु संग जरूरी है। अपने से बहुत ऊंचा समय में नहीं आ रहा है ऐसा साधु संग आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, रूप गोस्वामी पाद का कहना है। इसीलिए सोच समझ के साधु संग करना जरूरी है। जहां तहां जाने से, जैसा तैसा संग करने से पतन अवसंभावी, कोई रोक नहीं सकता। स्वजाति राशय स्निग्धे, क्या बताया रूप गोस्वामी पाद, ध्यान दे, स्वजाति राशय स्निग्धे साधो संगो सतो परे। अपना ही संप्रदाय का, अपना ही जो आशय है, अपना ही जो आशय है, आशय मतलब अंतर का एक भाव, टारगेट रहता है, सजाति राशय स्निग्धे साधु संगो शतु। साधु का बगल में रहने से ही साधु संग नहीं होता, साधु का बगल में रहने से ही साधु संग नहीं होता, और फिर दूर रह के भी साधु संग हो सकता है। जैसे खटमल,
जैसे खटमल साधु का संग करता है, जैसे खटिया में या चौकी में खटुआ में खटमल साधु का संग करता है, क्योंकि उसका खून चूसता है। इसका नाम साधु संग नहीं है। साधु को उद्वेग देना, साधु से साधु को एक्सप्लॉइट करना, साधु को एक्सप्लॉइट करना क्या है उसे ले लेंगे हम, ये साधु संग नहीं है। साधु का कमीज परिष्कार करना, कपड़ा धोना, रसोई करना है, रुपया पैसा संभालना, साधु का जमीन ज्यादा संभालना, ये साधु संग नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारा मूड क्या है, हमारा मूड क्या है, क्योंकि बद्ध जीवों का चीटिंग प्रोपेंसिटी रहता है। चाहे चाहे बाहरी विचार में वो किसी को चीट नहीं कर रहा है, ध्यान दे इस विषय पर, चाहे बाहरी विचार में ये किसी को चीट नहीं कर रहा है लेकिन उसका अंदर में चीटिंग प्रोपेंसिटी छुपा हुआ है, जिसका नाम है विप्रलिप्सा। अपने को चीट करना, औरों को चीट करने का प्रोपेंसिटी जीवों के अंदर में है, बद्ध जीवों के अंदर में रहता है। बहुत दूर रह के भी साधु संग हो सकता है और नजदीक रह के भी साधु संग, एक ही साथ रह के भी साधु संग नहीं हो सकता। संत महात्मा का संगो मिलाने के लिए, संत महात्मा का संगो मिलाने के लिए ये जो हमारा भंडारा उत्सव आदि का व्यवस्था इसीलिए है। क्यों, वहां वास्तव साधु आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा तो अक्सर देखा जाता है। तथाकथित साधु आके भीड़ भड़ाक्का कर दिया, वास्तव साधु आया नहीं, लेकिन आ सकता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बड़े बड़े भंडारा करने का बाद अगर अचानक आ गया कोई संत महात्मा, क्योंकि नौता देने का बाद भी वो लोग जाता नहीं, अगर आ गया तो तकदीर खुल गया, साधु संग में मिल सकता है। मठ मंदिर में उत्सव आदि, भागवत पाठ, हरि कथा, ये सब का मकसद क्या है? ये जो भंडारा आदि उत्सव, हरि कथा, कीर्तन, ये सब का मकसद क्या है? मकसद है साधु संघ का व्यवस्था करना। साधु संघ का व्यवस्था करने के लिए ये सब व्यवस्था, और इसका मतलब है आपका चेतना का जो लेवल है, आपका जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपका जो चेतना का जो डिग्री है, इसको बढ़ाने के लिए ये सब व्यवस्था किया जाता है। जो भक्त है वही साधु है, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, त्यागी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी अवस्था, सन्यासी हो, भक्त साधु। जो भक्त नहीं है वो साधु हो नहीं सकता। जो सद्धर्म का पालन ना करे, जो सद्धर्म का पालन ना करे वो साधु नहीं हो सकता। लाल रक्त वर्ण कपड़ा पहनने वाला शाक्त हो, बुद्ध हो, ये लोग साधु नहीं है, या शंकर भगवान का पूजा करने वाले शैवो, ब्रह्म कुमारी का दल, बहुत सारे निगमानंदो का ग्रुप का दल, पपाजीन वाले, ये लोग साधु नहीं है। हम लोग गाली नहीं दे रहा है, हम लोगों का मकसद गाली देना नहीं है, निंदा करना नहीं है, हम लोगों का मकसद निंदा चुकली नहीं है, परम सत्य वस्तु को स्थापन करना। माने ये है, जो लोग वास्तविक सद्धर्म अर्थात भगवत धर्म का पालन करे वही साधु है, बाकी कोई साधु
में गिनती नहीं किया जाता। जिसका अंदर में भोग व त्याग का विचार बिल्कुल नहीं है, केवल भगवान का सेवा करने, भगवान को संतुष्टि विधान करने का जो विचार है वही साधु है। बाकी भोगी त्यागी फलाहारी बाबा निराहारी हैं, मौनी बाबा दूधपिता बाबा धोनी बाबा, ये सब साधु नहीं हो सकता। साधु का मीनिंग ये नहीं, क्योंकि भोग और त्याग दोनों ही आपको भगवत विमुख बना देंगे, क्योंकि भोग और त्याग दोनों ही आपको भगवत विमुख बना देंगे। ये नियम है। आत्मदेव जी को भगवत जी महापुराण का महिमा, पद्म पुराण का महिमा में आता है, भगवत का महिमा कीर्तन में, वहाँ एक श्लोक आता है, गोकर्ण जी महाराज पिताश्री आत्मदेव को कह रहे हैं कि आप तथाकथित जो धर्म है, सामाजिक धर्म है, समाज धर्म, लोक धर्म, मनोधर्म, देश, जो कुछ भी है सब आप त्याग कर दो, सब आप त्याग कर दो महाराज, आप त्याग करके आप भगवत धर्म का, नित्य धर्म का सेवा करें, जो इटर्नल धर्म है, जो जैव धर्म है, जो वैष्णव धर्म है, जो भागवत धर्म है, ये नित्य धर्म का सनातन धर्म है, इसका सेवा करें। बाकी तथाकथित जो धर्म है उसका सेवा करके आपको अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलने वाला है, नहीं कुछ मिलने वाला है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्मम तेजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। इसका बात कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं गोकर्ण जी कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान शिवस्व सदु पुरुषान जहि काम तिष्णम, शिवस्व साधु पुरुषान जो ही काम तिष्णाम, साधु पुरुष का सेवा करो। साधु का बेस बनाकर कोई धोखेबाज आ गया, इसका सेवा करने से उल्टा फल मिलेगा, महाराज हमने बहुत साधु सेवा किया, महाराज हम सुनने वाला नहीं है, आई एम नॉट एट ऑल रेडी टू हियर ऑल दिस थिंग, बोगस थिंग। क्योंकि बहुत बार ये सब चर्चा हो गया, साधु पहचाने कैसे। मेरा ये विचार है, इसीलिए तमाम जगत में हरि कथा बोलने का समय मैं इन लोगों का प्यार पकड़ कर विनती की, जे कृपया आप लोग साधु संघ क्या है, साधु महात्मा कैसा होता है, लक्षण क्या है गुरु का, ये सब चर्चा करो। रागानुगा भजन रूपानुगा भजन ये सब चर्चा मत करो, अभी पागल का मापिक पागलबंदी मत करो। हमने कई बार बोला ये आप लोग सब साधु संघ क्या होता है, संत महात्मा कैसा है, उसका स्वरूप लक्षण तत्वस्थ लक्षण सब विचार करो। करने से क्या होगा, तुम पूरा दुनिया में जो धोखेबाज है, पूरा दुनिया में जो साधु संतों का बेच लेकर धोखेबाज है, ये लोगों का बिजनेस बंद करा दो। मैंने बोला लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्या सुनने वाला नहीं है ना, कोई सुनेगा बोलो। मैंने विनती किया, यही चर्चा करते चलो, देखो आज नहीं तो कल लोगों के समझ में आ जाएगा, ये साधु है, ये साधु का लक्षण है, ये धोखेबाज है, पैसा मरने के लिए आया है, लेकिन हो नहीं रहा, ये हो ही नहीं रहा है, क्या करूं, करने का क्या है। गोकर्ण जी महाराज जी ने बताया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म समाज धर्म सब त्याग कर दो, लौकिक धर्म सब त्याग करो। और धर्मम भजस्व मतलब भागवत धर्म, आत्मधर्म, जैव धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन, इसी को आप करो, इसी का ही भजन करो।
और भगवत धर्म मैं भजन कर रहा हूं, मैं भगवत धर्म में भगवत धर्म का फॉलो कर रहा हूं, बोलने से ही होता नहीं। इसका बिहेवियर, इसका कैरेक्टर, इसका चाल बोल, इसका रहन सहन, इसका खान पीन, इसका उठना बैठना, एक एक करके मैं देख के, एक देखेंगे ज्यादा नहीं। जैसे बचपन में देखा माताजी चावल बॉयल करने का समय ये देखती थी, एक चाल को दबाने से वाला हाँ अब चाल पक गया, चलो अब भोजन में बैठो, है ना। एक हम सिम्टम देख देंगे, दो एक सिम्टम हम समझ जाएंगे एक कैसा क्या है इसका, तो समझ जाएंगे। तो सेवस्व सद पुरुषान जो ही काम तिष्णाम, भगवत धर्म का भजन करो, जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित है वही स वही पुंसाम परो धर्मो यतो यतो भक्तिर अधक्ष ये अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध। हो गया ना डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन स वही निश्चित में वह स वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधक्ष ये अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, ये तो डेफिनेशन है, सीधा बात है। गोकर्ण जी महाराज जी अपना पिता श्री को बताए, महाराज धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्मान शिवस्व साधुपुरुषान जो ही काम तृष्णान, इसका बारे में ही ये उपदेशामृतों का जो चर्चा हो रहा है हमारा इधर, इसमें इसी बात का चर्चा हुआ। उत्साहत निश्चत दिज्जत तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागात सतो वृते सर्वीर भक्ति ही प्रसिद्धति, इसी का बारे में चर्चा है, इसी का चर्चा चल रहा है। साधु का वृत्ति क्या है, कैसे हम समझेंगे, ये साधु वृत्ति का चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ तक चर्चा करते करते आए, वो साधु वृत्ति का ये चर्चा करते करते आए। गृही और गृहत्यागी दोनों के लिए ही कृष्ण नाम मंत्र में दीक्षा अर्थात गुरुकरण, गुरु ग्रहण, सदगुरु का चरण आश्रय करना जरूरी है, ये चर्चा हो चुका है। दोनों के लिए ही दुस्संग त्याग करना जरूरी है, ये सब चर्चा हो गया। कर्मी ज्ञानी सब है ना, जोगी सब दुस्संग है, सत्संग नहीं है। सब दोनों के लिए ही, चाहे गृही हो क्या त्यागी हो, दोनों के लिए ही सत्संग दुस्संग त्याग करना कर्तव्य, अवश्य कर्तव्य है, जरूरी है। दोनों के लिए ही दूसरे का मंगल करना, दोनों के लिए ही जिंदगी का मकसद होनी चाहिए दूसरे का उपकार, और साधु सेवादि कर्तव्य, दूसरे का उपकार करना ये तो है ही है, ये तो है ही है, और साधु संतों का सेवा करना कर, दोनों के लिए। मैं साधु बन गया किस साधु का सेवा करे, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा ठीक नहीं, ये विचार ठीक नहीं है। तो दोनों के लिए, चाहे गृहत्यागी हो चाहे गृही हो, दोनों के लिए। और उपकार करना, औरों का नुकसान नहीं करना, ये तो हमारा एथिकल करेक्टर में, ये दोनों तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचना, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, और औरों का उपकार करना चाहिए, औरों का उपकार करना, चाहे
लेकिन उपकार करने का टाइम में एक बात ध्यान रखना, कोई अगर बोले तो महाराज ये तो आपका उपदेशामृत में है, हैं? जैसे मायावादी लोग कहते हैं दरिद्र नारायण का सेवा, ये तो मायावादी का विचार है। उपकार करने का मतलब क्या है इसका थोड़ा बहुत खुलासा होनी चाहिए। औरों पर उपकार कई तरीका से हो सकता है। मैं गरीब दुखियों का भोजन दे सकता हूँ, कपड़ा दे सकता हूँ, औषधि का व्यवस्था कर सकता हूँ, तरह तरह का व्यवस्था कर सकता हूँ, शिक्षा का व्यवस्था कर। लेकिन दूसरे का उपकार का गहरा विचार बनाओ तो इसमें क्या होता है, दूसरे को हरि भजन में लगाना ये सबसे बड़ा परोपकार है। ऐसे तो ठीक है, लेकिन परोपकार करने जाओ, परोपकार करने के समय में जिस बद्धजीवों का परोपकार करने जा रहे हो, बद्धजीव नहीं मुक्त जीव भी हो सकता है, विशेष करके बद्धजीव और मुक्त जीव ये सो बात है ही है। वैष्णवों का कुछ करने जाओ इसको उपकार नहीं माना जाता है, इसको सेवा। हम भक्तिविनोद ठाकुर का परोपकार किया ये बोलना ठीक नहीं है। गुरु वैष्णव के लिए परोपकार ये शब्द ठीक नहीं है। अगर किसी वैष्णव का सेवा कर दिया इसको परोपकार बोला नहीं जाएगा, इसको सेवा। क्यों? ये सेवा करने के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट जो है, आत्मा का जो इंटरेस्ट है, ये जो गुरु वैष्णव का सेवा किया, ये सेवा करने का साथ साथ मेरा टॉप मोस्ट इंटरेस्ट वो क्या है, मेरा आत्मा का चरम मंगल का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है, तो इसको परोपकार नहीं माना जाता है। परोपकार ने वैष्णवों का सेवा माना जाता है, परोपकार किया, अरे भक्ति पूर्वी महाराज को मैंने उपकार किया, ये ठीक नहीं है। उपकार औरों के लिए एप्लीकेबल है। तो जो भी है परोपकार जो है, पर बोलते कोई स्पेसिफिकली है ना, कुत्ता को रोटी आप भोजन का बाद डालना है, पंछियों को थोड़ा दाना पानी देना, ये सब परोपकार है। लेकिन करने का समय ध्यान देना, ये जो परोपकार करने जा रहे हो, पानी का छत्र खोला जहाँ पानी पिलाया जाता सकता है, अन्य छत्र खोल दिया दूसरों के लिए, ये ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना, जिसका परोपकार करने जा रहे हो भगवत संबंध में कर रहे हो कि नहीं, आप समझा नहीं। जैसे रोंतीदेव जी महाराज परों का औरों का उपकार किया, बड़ा भूख लगाया, कोई आदमी भोजन नहीं पिया, अरे ले लो महाराज आप ले लो, गया ना। लेकिन इस पीछे में एक राज है, वो राज क्या है, रंतिदेव जी ने जो भी सेवा किया है, किसी प्राणी का किसी औरों का उपकार किया है, लेकिन तमाम दुनिया में कोने कोने में भगवान का उपस्थिति परमात्मा को सेवा किया है। अगर वो बद्धजीव का सेवा करेंगे, बद्धजीवों का सेवा करेंगे ऐसा करके करता तो आपका बंधा हुए। तो परोपकार का टाइम में भी आपको ध्यान रखना है। जैसे भरत महाराज जी ने क्या गलती की, महाराज भरत महाराज जी ने कोई गलती किया क्या, किया कुछ गलती? इतना महान राजा है, इतना राजपाट, धन संपत्ति, राज दरबार, रानी महिषियों का संग, पुत्र परिवार का संग छोड़ करके आ गए, तो कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। आपको अगर बोलें कि पिता माता को छोड़ो, अरे महाराज कैसे छोड़े, आप बोलोगे ना, ये आपका गुरु सेवा है। जो गुरु सेवा करने के लिए आता है वो पीछे मुड़ के देखता नहीं, मेरा पिता माता का क्या हो सकता है, महाराज भाई बंधु का क्या होगा, अरे
इसीलिए भक्ति विलास सिद्ध गोस्वामी महाराज जी ने बताया, अगर गुरु वैष्णव का सेवा करने करना चाहते हो तो यूं समझ लो कि गेट रेडी टू जंप इन टू फायर। मैं गुरु वैष्णव का सेवा के लिए आग में छलांग लगाने के लिए भी तैयार बैठा हूं, जो भोपाल जी ने बताया बताया ना, परमांश गुरु वैष्णव का सेवा के लिए मैं कॉन्टैक्ट करके अनंत काल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हूं। हालांकि गुरु वैष्णव का सेवा करने से नरक नहीं मिलता, फिर भी वो बात बताया, कितना महान आदर्श है, कितना महान आदर्श है। देखो तो औरों का उपकार करने जाओ तो आपको ध्यान में रखना है कि मैं भगवत संबंध में सबका उपकार कर रहा हूं, चाहे चिड़िया को दाना पानी दो, चाहे गो माता को खिलाओ कुछ, चाहे कुत्ता बिल्ली को कुछ दे दो, बट द टारगेट शुड बी लाइक दिस, आपका मकसद। और जर भरत जी महाराज जी का त्याग ये भी कोई मामूली बात नहीं है। जर भरत जी महाराज जी का पहले जन्म में, जो भरत महाराज पहले जन्म में है, ये जो भरत भरत महाराज हैं, इनके जो त्याग है ये भी मामूली बात नहीं है। फिर भी बाद में हिरण शिशु का, हिरण का बेबी बच्चा सेवा करने का बहाना लेकर वो विषय में इन्वॉल्व हो गया। बहुत सारे कहानी है, बहुत सारे टिप्पणी टिप्पणी है इसमें, क्या राज है, मैंने पहले भी बताया था लेखनी में हरिकथा में। फिर भी तो ये जो त्यागी व्यक्ति है और गृहस्थी व्यक्ति है, दोनों के लिए परोपकार करना जरूरी है और साधु सेवादि कर्तव्य है, क्योंकि बिना साधु सेवा कभी भी संसार सिंधु पार होकर जाने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और भगवान का नित्य सेवा में पहुंचना संभव नहीं है। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, भजन में जितना सारे सद्गुण का जरूरी है होना, ये सारे सद्गुण का कलेक्शन संग्रह करने में सावधान रहो, अर्थात अलर्ट रहो, सावधान। चैतन्य चैतन्यमिति में लिखा हुआ है, महानुभवेर चित्तेर स्वभाव एई आय, पुष्प सम कोमल कठिन वज्रमय। अचानक ये श्लोक क्यों बोला, अचानक ये श्लोक क्यों बोला, बोले इसका पीछे क्या राज है। मैंने कई बार बताया, संत महात्मा का बाहरी लक्षण, विशेष करके जो परमहंस गुरु वैष्णव है, ये लोगों का जो स्वरूप लक्षण है और ततस्थ लक्षण है, ये सब विचार करके धीरे धीरे समझ पाओगे। महानुभव एकमात्र सज्जन, सज्जन महानुभव, ये सबसे शब्द है, ये जो सज्जन महानुभव ये सारे जो शब्द है एकमात्र शुद्ध गुरु वैष्णव के लिए एप्लीकेबल है। सज्जन मतलब सज्जन तोषिणी, तोषिणी जानते हो ना, पत्रिका भक्तिविनोद ठाकुर के समय में निकालते थे। सज्जन मतलब सत प्लस जन, इन्हीं जो व्यक्ति का बारे में चर्चा हो रहा है वो सज्जन, सत प्लस जन। जो व्यक्ति सद्धर्मों को पालन करे दिल से वही सज्जन हो सकता है। कोई दिल खुल के हर्षवर्धन, हर्षवर्धन महाराज बहुत दान दीक्षिणा करते थे, राजा अशोक ने बहुत सारे कुछ किया, पहले तो खून खराबा किया,
बाद में बहुत कुछ किया किया ना, लेकिन ये सब करने का बावजूद ये लोगों को साधु नहीं माना जाएगा। दान दक्षिणा का बारे में राजा हर्षवर्धन का बहुत नाम है, सारे अपना कमीज तक अपना कपड़ा तक देकर कैसे कैसे राजधानी में वापस आते थे, असंभव बात है। बाहरी विचार में कभी कभी गुरु वैष्णव को बड़ा कड़ा बड़ा कठोर महसूस होता है, जैसे परम विद केशव गोस्वामी महाराज श्री संत गोस्वामी महाराज, अरे इतना कठोर है बाप रे, यहाँ रहा नहीं जाएगा, बोल के भागा। प्रभुपाद जी उन जमाने में शिष्य नहीं है, कुछ नहीं है। इस समय में प्रभुपाद खुद जमीन जायदाद को देखने के लिए मैदान में जाया करते थे। एक नौजवान लड़का बीच बीच में आते थे और जाते थे, आते थे और जाते थे, आते थे और कभी कभी आ जाते, कभी कभी चले जाते। बाद में क्या हुआ, ये व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को देखा मैदान में जा रहा है धान चावल का हिसाब लेने के लिए, अरे ये साधु हो सकता कभी, घर बेकार हो गया ना। इसलिए भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया, सत्संग का बहाना में सत्संग का बहाना लेकर अगर असत्संग हो गया ये खतरा है, और सत्संग को असत्संग माने समझ लिया उल्टा ये भी खतरा है, साधु को असाधु माने असाधु को साधु माने, दोनों ही बड़ा भयंकर है। तो प्रभुपाद जी जमीन जायदाद संभालते थे, पहले जमीन में जाते थे, हाँ अरे ये कैसे साधु हो सकता, साधु का मकसद नहीं देखा, साधु का जो मकसद क्या है ये नहीं देखा। ये साधु मैदान में जा रहा है भगवान का सेवा के लिए, ये नहीं समझ पाया। अरे संत महात्मा यहां बैठा है, इतना चिकना बनाया, क्यों बनाया ये सब, क्या दर करिए साधु का, तो समझा नहीं। श्रीमती राधा रानी का गोपियों का बहुत जबरदस्त एकदम कीमती कपड़ा पहनना, जेवर पहनना, कुछ भी है, ये भगवान का सेवा का लिए ही है। लेकिन औरों का कोई पत्नी है, वो अगर सुंदर कपड़ा पहन ली, जेवर पहन ली, दैट इज नॉट सेवा। एक्सटर्नली इट सीम्स ऑल द सेम, बाहरी विचार में एक जैसा लगता है, ये भी तो अच्छा कपड़ा पहनी, ये भी तो अच्छा कपड़ा पहनी, ये भी तो जेवर पहनी, हाँ देखने में एक है लेकिन मकसद में फर्क है। प्रभुपाद राजा का मापिक, प्रभुपाद राजा का मापिक वैशासन में बैठते थे, टूटा हुआ कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम चिकना कपड़ा, माधव गोस्वामी महाराज जाते थे प्रचार में। तो आप अगर इसका बारे में चर्चा करना शुरू कर दोगे ये तो बेकार है, अच्छा कपड़ा पहनता है, बड़ा ऊंचा आसन में दो, वैराग्य नहीं है, कुछ नहीं है, साधु तो होगा नंगा बाबा, साधु तो होगा नंगा बाबा, तब तो साधु है, ये क्या साधु है, तब बेकार, गाड़ी में चल रहा है, हैं ये साधु कभी होता है। मैंने बहुत पहले का बात कह रहा हूं, आज से 20 साल पहले का, और भी ज्यादा हो सकता, याद नहीं है, बहुत दिन पहले का, 20-22 साल तो होगा ही होगा। मैंने क्या किया, सूरज कुंड में सेवा में लगा हुआ था, किसी का नुकसान तो दूर की बात है, बैठ के ब्रजवासी को उपकार किया, माधुपुरी करके खाते थे और कभी कभी रोटी बनाया करते थे सूर्यनारायण भगवान के लिए, हरि कथा बोलते थे, चाहे एक आदमी हो मेरा सामने, कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और मंदिर को हड़पने का विचार भी मेरा जिंदगी में कभी नहीं है,
लेकिन वहां कुछ संत महात्मा पहुंचा गौड़ीय मठ का, किसी गौड़ीय मठ का तरफ से, मैं नाम नहीं कहूंगा क्योंकि वो लोग सोचेगा कि महाराज निंदा कर रहा है, हम बोलेंगे नहीं। मैं दुखी नहीं हूं, मैं सुखी हूं। क्यों? आज वो लोगों ने ऐसा हरकतें की तो मेरा जिंदगी में हरि कथा बोलने का, ये सब सेवा करने का महलत, दे आर माई ऑल माई फ्रेंड्स, ये मेरा उपकार किया, मेरे को रहने नहीं दिया उधर, वहां पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। वो लोग सोचा ये आदमी इन्फ्लुएंशियल है, वो रहेगा तो मंदिर का मालिक बन जाएगा, तो मेरे को इतना डिस्टर्ब किया, मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, उधर से निकल गया। आ ठीक है चलो, कहाँ जाए, रहने का भी जगह नहीं किसी जगह, और हमारा गौड़ीय मठ का विचार के अनुसार, प्रभुपाद का विचार के अनुसार सेवा जरूरी है, बिना सेवा कहीं भी मैं रह लेंगे, बिना सेवा मैं कहीं भी रह लेंगे उसका तो बात नहीं, सेवा करना जरूरी है। बाद में क्या हुआ, मथुरा में भूतेश्वर के सामने एक आश्रम है, श्री अरुण महाराज जी प्रभुपाद से हरिनाम लिए थे, जो भी है वो बड़ा प्यार करते थे मेरे को, 25 साल पहले का बात, वो गुजर गया। गुजरने का बाद वो मंदिर जिस सेठ लोगों का है, जिन सब सेठ लोगों का है, उन्होंने मरम्मत करने के बाद फिर थोड़े दिन बाद और उसको रिनोवेशन ऐसा कर दी कि चिकना हो गया। तो मेरे को ये मंदिर का इंचार्ज बताया, महाराज इधर आ जाओ, हरि कथा कीर्तन करोगे। तो मैंने क्या किया, मेरा तो कुछ भी नहीं है, एक किताब रखने का बक्स है जहाँ किताब सही ढंग से रखा जाए, उसको लेके आ गया। लेकिन उधर का जो सेठ लोग है, वो हमारा बक्स देख के, मेरा जो किताब है सब देख के, अरे ये तो बाबा तो बक्स लेके आ गया, तिजोरी लेके आ गया, नहीं, इधर नहीं रहना, कब्जा कर लेगा, समझा मेरा बात। ये लोगों का साधु का डेफिनेशन है कि बाबा नंगा है, कुछ नहीं, यहां तक कि खाने का भी पात्र नहीं, तब ये बाबा को हम लोग सहायता करेंगे, ये लोगों का विचार ये है, दुनिया का विचार ऐसा है। मैं हैरान हो गया, बाद में पता चला ये नित्यानंद बलराम भगवान का ही अरेंजमेंट है, नहीं तो मैंने कुछ गुना नहीं किया, एक भी मेरा बारे में कोई कुछ नहीं, किसी मंदिर में जहां जहां भी रहा किसी बाप का हिम्मत नहीं हुआ कि एक बारे में एक बताए, मेरा बारे में कुछ बताए, सिर्फ इतना बताया मेरा बड़ा कट्टोर है, इतना ही बताया, और मेरा प्रवचन सहन नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को उधर से जाना पड़ा, ऐसा हालत है। तो गोपियों का अर्थात श्रीमती राधा रानी का अच्छा कपड़ पहनना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का जो बाहरी चिकना, ये सब है भगवत सेवा का उपकरण है। ऐसा विचार अगर खोपड़ी में बैठे युक्त बैराग्य तो ये साधु है, नहीं तो साधु नहीं है। तुम त्याग कर रहे हो, तुम धुनी बाबा हो, तुम त्यागी बाबा हो, फलाहारी बाबा, उसमें भगवान का क्या सुविधा है, व्हाट इज द बेनिफिट, भगवान का क्या कर रहे हो तुम? तुम बिना खाए रहो, चाहे चूल्हे में जाए तुम्हारा बैराग्य, भगवान के लिए क्या किया ये बताओ, हम कुछ नहीं सुनना चाहता है, क्या किया भगवान के लिए, गुरु वैष्णव के लिए क्या किया, संप्रदाय के लिए क्या किया, कुछ किया, कुछ तो किया नहीं, तो साधु आदमी समझेगा नहीं, दुनिया का आदमी इतना बुर्बक है समझेगा नहीं, इतना सूक्ष्म विचार समझेगा नहीं। तो एक महात्मा का कड़ा प्रवचन करा व्यवहार देख के अगर आप विचार कर लोगे कि ये बिल्कुल उस संत महात्मा नहीं है, संत महात्मा वो है जो जगत को चीट कर रहा है, दुनिया भर का रुपया इकट्ठा कर रहा है, मीठा बोली बोल रहा है, यही साधु है आपका विचार से, ठीक है रहो,
इन्हीं का ही संग करो और भगवान के पास जाओ, मेरा क्या आता ही जाता है, व्हाट विल गो एंड कम इन माय लाइफ। मैंने जिंदगी दे रहा हूं आप लोगों के लिए, फिर भी आप को समझ में नहीं आ रहा है। तो महानुभाव का चित्त स्वभाव यही है, कभी फूलों का मापिक कोमल है, कभी वज्रों का मापिक कठोर है, वज्रों का मापिक कठोर है। देखा है परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज के जिंदगी में, संत गोस्वामी महाराज के जिंदगी में देखा है, भयंकर। अपना खरम से पिटाई करते थे श्री संत गोस्वामी महाराज, अपना खरम से पिटाई करते थे शिष्य को, बोल आर करेगा कि नहीं बोल, ये है कठोर कठोर है। केशव गोस्वामी महाराज जी एक दफे बहुत कठोर थे विचार, ये पक्का विचार है। एक दफे एक गाना क्या न्यूज का कोई साउंड आ रहा है, पर मैं किसी को से बाहर जाने वाला था, छाता लेकर सब लेकर जा रहा है, बोले कहाँ से साउंड आ रहा है रे, ये सब तो कहाँ से, बोले महाराज प्रेस से। प्रेस, अच्छा तो प्रेस में गया, देखा वहाँ खबर चल रहा है, दुनिया का खबर। तो महाराज ने किया क्या किया, और ट्रांजिस्टर, उस जमाने में टीवी भी नहीं था, ट्रांजिस्टर एक लात लगाया, चकनाचूर हो गया, सब एकदम चौंक गया, एक लात लगाया चकनाचूर हो गया, इतना कठोर स्वभाव का है। और फिर कोमल भी है, नदी पार करना है, विनोद दा विनोद बाबू मेरा 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 बोट में चलो आप, ठीक। अरे पांच आदमी आ गया तो हमको तो एक बोट चाहिए, हम तो पांच बोट में कैसे जाए। तो महाराज बोला ठीक है चल, एक बोट में महाराज सवार हुआ, चढ़ गया, बाकी आदमी को पार होने का पैसा बंटवारा कर देते थे, गरीबों का धामों में गरीबों का उपकार कर देते थे, ऐसा माफिक विचार। तो कभी कभी संत महात्मा का जिंदगी में देखा जाता है अंतकरण फूलों का मापिक नाजुक है, कभी कभी वज्रों का मापिक कठोर है। जैसे स्वरूप गोसाई इतना कोमल हृदय है, इतना कोमल हृदय है जे पूछो मत। लेकिन जब प्राकृत कवि ने वर्णन किया महाप्रभु के बारे में, तब 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 स्वरूप गोसाई क्या किया, एक फटकार दिया, एक फटकार दिया, क्या लिखा, अरे अरे मूर्खो तू करी ली सर्वनाश, तो अपना सर्वनाश कर डाला। अरे सब चौंक गया सभा, क्यों, ब्रह्म को दो भाग किया, सचल ब्रह्म अचल ब्रह्म, ईश्वरे ईश्वरे और ईश्वर विग्रह में दोनों फर्क नहीं है, देहो देही। प्राकृत कवि ने क्या गलती की, प्राकृत कवि ने कौन सी गलती की, बोले इन्होंने जैसे जैसे कोई भी जीवा कोई भी जीव कोई भी प्राणी का बारे में सोचो, देहो देही कोई भी प्राणी का बारे में सोचो तो देहो देही मतलब ये उसका शरीर है, ये आत्मा है, अलग होता है, ये देहो और देही भेद ईश्वर में नहीं होता है। आप समझा नहीं अभी तक, शरीर देहो देही, देही मतलब आत्मा, जीवात्मा किसी भी शरीर पकड़ के जन्म लिया
तो इनका कोई भी शरीर हो, चाहे आदमी बनकर आया है, इनके शरीर और आत्मा अलग चीज है। जो शरीर है वो आत्मा नहीं है। देहो देही भेद ईश्वर में नहीं होती। अभी भी समझा नहीं? देहो देही का भेद तमाम दुनिया में जीवों का होता है, लेकिन ईश्वर में ऐसा नहीं होता है। ईश्वर में ऐसा नहीं होता है। ईश्वर में देहो और देही एक ही है। मतलब कृष्ण का आत्मा अलग है, कृष्ण अलग है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप, कृष्ण का बाल से लेकर एकदम नखून तक सारे चिन्मय है। इतना ही नहीं, कृष्ण का धाम में जो डस्ट पार्टिकल है सब चिन्मय है। जड़ वस्तु बिल्कुल है ही नहीं। समझा मेरा बात? ईश्वर में देहो देही भेद होता नहीं। स्वरूप गोसाई ने इसीलिए गुस्सा हो गया स्वरूप गोसाई का, क्योंकि प्राकृत कवि ने ईश्वर का देहो देही में भेद स्थापन किया। इसीलिए इतना गुस्सा हो गया स्वरूप गोसाई, एक फटकार दिया। तो इसमें क्या सबूत होता है कि स्वरूप गोसाई का वैष्णव नहीं है? ऐसा बताएंगे क्या? ऐसा बताएंगे ना, सर्व गोसाई कट्टर बोला इसलिए वो साधु नहीं है। मीठा बोलने वाला, जगत को हैं राम राम जपना पराया माल अपना, ये साधु है, ये सबसे बड़ा था। कितना मीठा बोली देखो, बिना मुस्कुराए कोई बातें नहीं कर रहा है, यही साधु है। ए, मिल गया, यही हमको मिल गया साधु। छागल कहीं का, पागल कहीं का। तो महानुभवेर चित्तेर स्वभाव यही हो है, पुष्प सम कोमल कठिन वज्रमय। फूलों का मापिक कोमल और वज्रों का मापिक कठोर होता है, पक्का संत का। महान तो स्वभाव यही तारिते पामोर, निजो कार्य नहीं तो वो जान पर तार कर। अपना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे को बचाने के लिए महंतों का ये स्वभाव होता है। पतित जनों को उद्धार के लिए, पतित जनों को उद्धार के लिए वो औरों का घर में जाता है। महंतों स्वभाव यही तारिते पामोर, महंतों स्वभाव यही तारिते पामोर, निजो कार्य नहीं तो वो जान तार घर। प्रभु कहे को, महाप्रभु जी ने इतना कठोर भाव दिखाया राजा प्रताप रुद्र के साथ मिलने का लिए, कितना प्रार्थना किया, फिर भी महापुन राजी नहीं हुए। बाद में कृपा तो की, खैर कृपा तो किया है, लेकिन ऐसे कृपा किया कि आदमी, दुनिया का आदमी गलत ना समझे, यही महाप्रभु जी ने बताया। यही महाप्रभु जी ने बताया, शुक्ल वस्त्रे मोशी बिंदु जोईछे न लुका है, सन्यासीर अल्पोदोष सर्वलोके गाए। सन्यासियों का थोड़ा बहुत गलती नहीं है, गलती का मापिक, गलती तो कर ही नहीं सकता गुरु वैष्णव, कर ही नहीं सकता। अगर किसी ने गलत समय लिया तो उसका सत्यनाश हो जाएगा। इसलिए संतो महात्मा बाहरी विचार में अंतर विचार में दोनों तरफ बैलेंस रहता है। जैसे कि इनको देखकर किसी का गलत फहमी हो जाए और वो भी सत्यनाश हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इसलिए महाप्रभु जी ने बताया, देखो सन्यासीर अल्पदोष सर्वलोके गाए, सन्यासियों का थोड़ा बहुत दोष नहीं, दोष का मापिक को कुछ तमाम दुनिया चर्चा करना शुरू कर देगा। इसलिए बताया गया सन्यासीर अल्पदोष सर्वलोके गाय, शुक्ल वस्त्रे मोशी बिंदु जो छे न लुकाए,
एक एकदम सादा कपड़ा धोला, एकदम पूरा धोला कपड़ा का अंदर में थोड़ा सा लाल मार्किंग हो गया जंग का, फेरिक ऑक्साइड का, या तो हमारा मोशी बिंदु मतलब शरीर में घाम रहते समय, शरीर में घाम रहते समय अगर कपड़ा पहन के रहो दिन पे दिन, एक मोशी एक काला जैसा दाग पहन जाता है, लाल थोड़ा बहुत। अगर कपड़ा को तुरंत आकर धो दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई कोई आदमी के ये जो दिन पे दिन पहनते हुए कापर, अगर जो स्वेट घाम आ रहा है ना, पसीना आ रहा है, पसीना जमते जमते एक मार्किंग हो जाता है, बहुत फालतू देखने में बहुत खराब है। तो महाप्रभु जी ने बताया शुक्ल वस्त्रे मोशी बिंदु जोईशे न लुका है, एक सादा धोला कपड़ा में जरा सा भी थोड़ा लाल और काला मार्किंग हो जाए, ये हर कोई का नजर में आ जाता है जल्दी 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 आ जाता है। इसलिए महाप्रभु जी ने अपना आचार व्यवहार आचरण में हर वक्त सावधान रहते थे, हर वक्त सावधान रहते थे। राजा को महाप्रभु के साथ मिलाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किया, सर्वम भट्टाचार्य रामानंदो सर्व गोसाई दूसरा सारे जो नित्यानंद प्रभु तक भी बहुत प्रयास पर चेष्टा किया, लेकिन महाप्रभु जी ने माना नहीं, महाप्रभु जी ने इनकार कर दिया। बाद में तो कृपा किया चालाकी करके बहुत, तो सारे भक्तों लोग इकट्ठा होकर महाप्रभु का पास आए और कुछ कह नहीं सकता। महाप्रभु कहे आप लोग कुछ कहने के लिए आए हो मेरा पास, लेकिन कहते क्यों नहीं, क्या बात है? तो नित्यानंद प्रभु जी ने बताया तो कहना तो चाहता हूँ लेकिन कहने से डरता हूँ। नहीं नहीं कोई चिंता नहीं, अब कहो, कोई चिंता नहीं, अब कहो कहो, कोई बात नहीं। ओ आप मानोगे ना? मानेंगे। प्रभु कहे कहो तुम्हें नहीं किचु भय, अब कह दो भाई किस लिए आए हो, ये अगर उचित है तो मैं जरूर मान लेंगे, अगर उचित नहीं है तो हम टाल देंगे, बुरा मत मानो। प्रभु कहे कहो तुम्हें नहीं किचु भय, योग्य हईले करीब अयोग्य हईले नय, ये प्रभु का विचार है। कभी कभी भक्तों लोगों का जिंदगी में ऐसा भी होता है बाहरी विचार में अन्याय है, बाहरी विचार में ये इल्लीगल है, लेकिन कृष्ण भजन करने के लिए ये इल्लीगल चीज को भी कभी कभी शुद्ध गुरु वैष्णव मान लेता है, क्योंकि सारे जो है विचार, सारे जो विचार है ये भगवत भजन का जो विचार है इसी का बैकग्राउंड में विचार करना है, आपका विचार में इल्लीगल है, लेकिन भगवत भजन करने जाए तो ये मामला है कुछ और। इसमें भगवान को कितना प्यार करता है आदमी, दैट इज द यार्डस्टिक, मानदंड, मापने का स्केल, बाकी सब फीका पड़ जाता है, लीगल इल्लीगल, ऑथेंटिक नॉट ऑथेंटिक, यू नो एथिकल नॉट एथिकल, ये सब विचार जो है कृष्ण सेवा का बारे में है कि वेयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्विस ऑफ भगवान, भगवान का सेवा का अगर प्रसंग है तो इसमें ये सब विचार बैठेगा नहीं। तो साधु संधु का सेवा मतलब ये नहीं कि दो चार रोटी खिला दिया
प्रणाम ही दे दिया, ऐसा नहीं। संतोष महात्मा का प्रवचन सुनना, आचार आचरण का कोहन करना, ये सब है। तो गृहस्थी और त्यागी सबके लिए साधु सेवा बड़ा जरूरी है। संत महात्मा का इतना मर्यादा क्यों है, क्यों है? वो इसलिए है कि संत महात्मा लोग अपना आचार आदर्श के द्वारा, अपना आचार आदर्श के द्वारा पूरा दुनिया को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। आई बात समझ में? अपना विशुद्ध आचार आचरण के द्वारा दूसरे को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। अपना जो विशुद्ध आचरण के द्वारा दूसरे को शिक्षा दे रहा है, इसलिए सबसे बड़ा चीज है, बचाने का कोशिश कर रहा है। क्यों? आचरण देख के ही, आचरण देखते ही बद्ध जीवों के अंदर में प्रभाव पड़ सकता, आचरण से ही। बिना आचरण जितना भी लेक्चर दे दो, कुछ भी हो नहीं सकता। महाप्रभु जी ने अपना, कोई अगर पूछे महाराज आप ये जो शुद्ध आचरण के द्वारा क्या कहना चाहते हो, एक एक शब्द कहना, मेरा अंदर में विचार बनता है कि अगर ऐसे बोले को समझेगा नहीं, अगर गलत समझने का भी चांस है। तो अगर मैंने कह दिया शुद्ध आचार आचरण, तो आपने क्या समझ लिया, आपने क्या समझ लिया? तो 10 बार नहना, नहाना 5-10 बार नहा लिया, कपड़ा को बदल लिया, यही यही समझाना आचार आचरण? नॉट दैट। ये आप समझा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। किसी संत महात्मा ने 2-3 बार नहा लिया, कपड़ा चेंज किया, ठीक है। लेकिन संत महात्मा का आचरण आदर्श का इनर मीनिंग क्या है, इनर मीनिंग क्या है? कोई भी कपड़ा बदल सकता है, नहा सकता है, छुआछूत विचार को रख सकता है, ये बड़ा बात नहीं। बड़ा बात है इनका अंदर में सेवा का जो भाव है, ये जो हर वक्त तरसते रहते हैं, ये जो हर वक्त तरसते रहते हैं भगवान का सेवा के लिए, यही है आचरण। आई बात? बाकी नहाना शुद्ध आसन में ये एंसिलियरी है, अर्थात सपोर्टिंग फैक्टर। आई लाइक टू सर्व भगवान टू द पॉइंट फ्रॉम हार्ट फॉर द एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ भगवान, इसीलिए बाकी जो एंसिलियरी चीज साइड बाय साइड हमको फॉलो करना है, ये आचरण आदर्श में आ जाता है। आई बात समझ में? जैसे झूठा नहीं बोलना, ये तो एथिकल एक नीति हो गया। अहिंसा परम धर्म, अरे अहिंसा कैसे परम धर्म हो गया? पागल छागल, वो समझा ही नहीं धर्म क्या बोल, अहिंसा परम धर्म, अरे अहिंसा परम धर्म क्यों? अरे अहिंसा तो हमारा स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक नेचर है, उचित एथिकल, दूसरे को कष्ट नहीं देना, मारना नहीं, तो स्वाभाविक, ये कैसे धर्म बन गया है? धर्म कैसे बन गया? अहिंसा परम धर्म, छागल पागल है, है? सब पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक्ष ये अहित प्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। भगवत धर्म को, जैव धर्म, वैष्णव धर्म, आत्मधर्म को, सनातन धर्म को, यही को धर्म, भगवान का सेवा यही धर्म है। क्या अहिंसा नहीं करना कैसे परम धर्म हो गया? मैंने हिंसा नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्म कर दिया। अरे मैंने किसी का ऊपर हिंसा, हमला, हिंसा नहीं किया, इसका मतलब तो ये नहीं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, धर्म पालन कर दिया, पागल कहीं का,
चारों ओर साइन बोर्ड टंग रहा है कि स्टेशन में इधर धीरे धीरे, सरकार भी सोचता भी नहीं है क्या है इसमें अहिंसा परम धर्म, ये अहिंसा का परम धर्म होता है, ये सभी का कर्तव्य है किसी को आक्रमण नहीं करना। तो आचार आचरण का इनर मीनिंग है, जिसका अंदर में जितना भगवान का लिए प्यार है, जितना सेवा करने का चाहत है, वही आचरण है। बाकी एंसिलियरी आई लव टू कीप माई सेल्फ प्योर, ये तो स्वाभाविक है एंसिलियरी, इसका साथ पीछे चलता है, समझा नहीं, ये धर्म का साथ पीछे चलने वाला है। चाटुकार संस्कृत में बताता है, ये बड़ा बात नहीं है। तो चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है कि महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मंजन का समय में, ध्यान देना, योर अटेंशन प्लीज, गुंडीचा मंदिर मंजन के समय में आपने देखा होगा, आप सुना होगा, आप लोगों ने सुने होंगे, ये महाप्रभु जी परिष्कार करने का जो आदर्श दिखाया, ये प्रेम का एक्सप्रेशन है, ये अपना प्रेम का ही वही प्रकाश है। माया माता जी ने मेरे लिए जो टिफिन बना के दे रहा है, देती थी, ये जो संदेश, दो चपाटी, एक छाना, थोड़ा चीज, सब बादाम, क्यों, ये इसका ड्यूटी तो है ही है, इसका साथ साथ प्रेम भी है, प्रेम भी। जब प्रेम सेवा का भाव में उतारता है, आप समझा नहीं, जब मेरा प्रेम, जब मेरा भगवान के लिए जो प्रेम है, अगर है तो मेरा प्रेम है, ये भी अहंकार है, वो बोलना उचित नहीं है। ये ऐसे ही अगर कोई संत महात्मा कह रहे हैं कि भगवान के लिए जो प्रेम है, इसका जो एप्लीकेशन है एक्सटर्नली, जैसे जसोदा मैया का दोधी मंथन, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेमा, और गाना गा रही है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिमेंडस लव, अनमैचिंग, वंडरफुल लव। तो ये प्रेम कमिंग इन द फॉर्म ऑफ चर्निंग मिल्क, योगार्ड, दधि मंथन का रूप लेकर जसोदा मैया का अंदर में जो प्रेम है गोपाल के, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, उसका एक्सप्रेशन है। मेरा बात समझा? तो जसोदा मैया का आचरण है, जसोदा मैया ने कितना नाम जप किया, 100,000 नाम किया कि नहीं, तो ये विचार करने बैठेंगे, जसोदा मैया ने कितना बार कपड़ा धोई है नहीं है, ये विचार करेंगे क्या? ये विचार नहीं है। जसोदा मैया ने अन्य की के नहीं, ये सब विचार है। अगर जसोदा माँ विचार करने बैठे कि गोपाल थोड़ा रह जा, 100,000 नाम नहीं, मैं मेरा पूरा नहीं हो पाए, अब बाद में तो गोपाल का गुस्सा आ जाएगा। ये बड़ा फाइन डिमार्केशन, बड़ा सुंदर विचार है। महाप्रभु अपना जो गुंडीचा मंदिर सफाई कर रहा है, महाप्रभु जी ने जो गुंडीचा मंदिर का सफाई कर रहा है भक्तों गणों को लेकर, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लवफुल सेवा, अपना ही प्रेम का एक्सप्रेशन हुआ है सफाई सेवा का रूप में। आई बात समझ में? तो ये आदर्श महाप्रभु औरों को, महाप्रभु अपना सेवा का जो आदर्श है, ये स्थापन करने के लिए महाप्रभु जी ने गुंडीचा मंदिर के समय में आदर्श दिखाया अपना, और बोला अरे तुम अच्छा सफाई कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, दूसरों को भी दिखाओ, जैसे वो भी ऐसा सफाई करे, तुम्हें भालो कोरिया छो, सिखाओ अन्य रे, यही मतो भालो कर्म से ही जनो करे, कर्म मीन सेवा।
यहाँ कर्म महात्म शब्द यूज किया, लेकिन कर्म भक्ति हो रहा है ना, गुंडीचा मंदिर मंदिर भक्ति कर्म ना। तो महाप्रभु जी ने यह बताया, चैतन्य चैतन्य तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तुम्ही भालो करियाचो सिखाओ अन्य रे, यही मत भालो कर्म सही अनुकरे, तुमने अच्छा सेवा किया, दूसरे को भी प्रेरणा दे दो, वो भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाए। इसका मतलब क्या है, अपना आचरण के द्वारा, अपना आचरण के द्वारा महाप्रभु एक आदर्श स्थापन कर रहा है। भजन में अगर कोई केयरलेस भजन करे, अरे हरे कृष्ण कर लिया, किताब पढ़ लिया, अरे मैं तो गया था सभा में, ये भजन नहीं है, ये भजन नहीं है। मैंने दीक्षा ली महाराज, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया है मेरा दीक्षा लेते हुए, 30 साल हो गया, मैं मंदिर में जाता हूँ, है प्रणामी देता हूँ, ये विचार नहीं है। चैतन्य चैतन्य तो लिखा है, विदाउट एनी स्पेशल केयर, विदाउट एनी स्पेशल केयर एंड अटेंशन एंड सिंसियरिटी, भक्ति होना संभव नहीं। जत्नाग्रह बिना भक्ति ना जन्माय प्रेमे, जिसका अंदर में कोई सिंसियरिटी नहीं है, कुछ विचार नहीं है, तो ये कैसे करें? स्पेशल केयर, अटेंशन, सिंसियरिटी, ये कुछ नहीं है, तो भक्ति कैसे हो सकता है? इसीलिए चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है, जतना जतनो आग्रह, एक ही साथ लिखा हुआ है, संधि में एक साथ कर दिया, जतनाग्रह जतनो आग्रह, जतनाग्रह बिना भक्ति ना जन्माय प्रेमे, बिना जतन प्रेम भक्ति का संभावना है नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने स्वीकार किया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने खुद स्वीकार किया, महाराज क्षमा करे, क्यों बोले पहले मैं गीदर का मापिक ये तार्किक शियाल संगे घेव घेव गोरी भेव घेव, तार्किक सब लॉजिक, मायावादी कट्टोर लॉजिक, ये लोगों का है तर्क, ये तर्क सर्वम भट्टाचार्य ने स्वीकार भी किया, ये तर्क करते 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 मेरा हृदय लोहे का पिंड बन गया था। सर्वम भट्टाचार्य ने खुद स्वीकार किया, प्रभु ये तर्क करते तर्क उठाते उठाते तर्क उठाते उठाते मैं परेशान हो गया, अब बाद में मेरा हृदय पत्थर जैसा बन गया, पत्थर नहीं है लोहे का पिंड बन दिया। और महाप्रभु जी के ने महाप्रभु जी को बताया, आप इतना प्रतापशाली हो, आप इतना प्रतापशाली हो, मेरा लोहे जैसा पिंड जैसा हृदय को भी आपने अपने गला दिया, मेल्ट कर दिया। ये सर्वमोटे जो कह रहे हैं कि तार्किक सिगाल संगे भेव भेव कोरी सही मुखे एवे सदा कोही कृष्ण हरि, तार्किक सिगाल गिदरों का साथ, तार्किक लोगों के साथ मैं पहले भेव 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 कहते थे करते थे, अब इसी मुख में आपका कृपा से अब हरे कृष्ण हरि ऐसा बोल रहा हूं, यही बोल रहा हूं, ये आपका महिमा है, ये आपका ही महिमा है, मेरा कुछ नहीं है। आपने ही कौवा को कोयल बना सकता, काकेरे कोकिल कोरे, कौवा को कोयल बना दिया आपने, आप कौवा को कोयल बना दिया, आप एक कौवा को कोयल बना दिया और हंस बना दिया, आहा क्या महिमा है।
दूसरों का लिए वैष्णव का अंदर में ध्यान दे, औरों का लिए वैष्णव का हृदय में हर वक्त चिंता रहता है, क्योंकि वो परम दयालु है। औरों का लिए अंदर में इनका बड़ा चिंता होता है, कैसे इसको बचाया जाए। परदुख दुखी, परदुख दुखी, दूसरे का दुख देखकर ये सहन नहीं कर पाता, पिघल जाता है हृदय। ये वैष्णवों का जो गुणावली है, इसमें प्रधान गुणावलियों में एक है, ये दूसरे का दुख देखकर, दूसरे का कष्ट देखकर संत महात्मा का हृदय पिघल जाता है, सहन नहीं कर पाता। आई बात समझ में? जैसे रोंती देव ने दूसरे का दुख देखा, खाना नहीं है, पीना नहीं, कपड़ा नहीं, पानी नहीं है, सब दे दिया, ले जा ले जा ले जा ले जा खा ले, ऐसा रोंती देव का महिमा। क्यों? तमाम जगत को भगवत संबंध में देखा है, तमाम जगत को भगवत संबंध में देखा है। रोंती देव जी हर वस्तु और व्यक्ति के अंदर में परमात्मा का उपस्थिति एग्जिस्टेंस उपलब्धि किया है। इसीलिए दूसरों का सेवा करते हुए उसको भक्ति मिली। आप भी अगर कह सकोगे, कर सकोगे तो ठीक है। जैसे हमारा वासु घोष जी ने बताया, वासु घोष ने, वासुदेव दत्त बोले, प्रभु ये तमाम दुनिया का जो जीव है, ये लोगों का कष्ट देखकर मैं पिघल गया, सहन नहीं कर पाते। एक काम करो प्रभु, कृपा करके ये लोगों का जितना जितना सारे इन लोगों का कष्ट है, सब मेरा ऊपर दे दो। जीवेर दुख देखी मोर हृदय बिदोरे, जीवों का दुख देखकर मैं हृदय विदीर्ण हो जाता है। हार्ट रेंडिंग सिचुएशन, आई एम गोइंग टू अराइव अ हार्ट रेंडिंग सिचुएशन, हृदय विदीर्ण हो जा रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। जीवेर दुख देखी मोर हृदय बिदोरे, सर्वजीवेर पाप प्रभु देहो मोर शिवे, तमाम जीवों का जो पाप है प्रभु मेरा सर पर डाल दो, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं तमाम जीवों का जो पाप है, जिसके कारण इसको भुगतना पड़ता है, सारे पाप को मेरा सर पे ठोक दो, दे दो, डाल दो। मैं अनंत काल ये लोग का जो कर्म फल है पाप, मैं भोग लूं, लेकिन ये लोग को रिहा कर दो, ये लोग को बचा दो। जीवेर दुख देखी मोर हृदय बिदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देहो मोर शिरे, तमाम जीवों का दुख कष्ट देखकर मैं हृदय विदीर्ण हो जा रहा है, कृपा करके प्रभु तमाम जीवों का पाप मेरा सर पर ठोक दो, दे दो। सर्व जीवेर पाप प्रभु देहो मोर शिरे, और वैष्णव कह रहे हैं कि जीवेर पाप लुइया मुई कोरी नरक भोग, ये तमाम जीवों का पाप लेकर मैं अनंत काल के लिए नरक में लोग नरक भोग करे, कष्ट भोग करे। जीवेर पाप लोइया मुई कोरी नरक भोग, जीवों का पाप लेकर मैं नरक भोगने के लिए तैयार हूं प्रभु। सकल जीवेर प्रभु घुचाओ भवरोग, तमाम जीवों का भवरोग मेटेरियल डिजीज भवरोग से रिहा कर दो प्रभु। मैं लोगों का तमाम जीवों का पाप सर पर लेकर अनंत काल नरक में कष्ट भोग करूं। जीवेर दुख देखी मोर हृदय बिदोरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देहो मोर शिरे, जीवेर पाप लइया मुई करी नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु घुचाओ भवरोग। ये है।
किया ना, ये है संत महात्मा का स्वभाव। याद है ना, श्रीमान महाप्रभु साक्षात भगवान है, परात्पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान, ये भी ऐसा वैसा नहीं है, ये स्वयं रूप भगवान जो कृष्ण है नंदनंदन वही है, यशोदानंदन कृष्ण अलग है, नंदनंदन कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण जो है यही हमारा सचिनंदन है, यही हमारा सचिनंदन कृष्ण है। इन्होंने संतों का बेस बनाकर आए हमको सिखाने के लिए, सिखाने के लिए आए ना, उठना बैठना चलना फिरना कीर्तन करना सारे दिखाया, इसलिए संत महात्मा का बेस बनकर आया। गुरुजी अक्सर कहते थे साधु पवा कोली काले कठिन जानिया, गुरुजी कहते थे अक्सर साधु पवा कोली काले कठिन जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला न दिया, साथ साथ साधु गुरु मिलना बड़ा कठिन है, ये समझकर कलिकाल में बड़ा कठिन है साधु मिलना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन, मैं बार बार बोलो बहुत कठिन। एक पक्का साधु जो अपना जिंदगी को देने के लिए तैयार है, चाहे वो लोग मार डाले मेरे को, लेकिन भगवान का वाणी को स्थापन करके हम मरे। एक लोग झूठा फैला रहा है, ये लोग झूठा फैला रहा है गौरी मठ के बारे में, गौरी गुरु वर्ग के बारे में, इसका जवाब देना है, चाहे वो लोग मार डाले, मार डाले फिर भी ठीक है, अगले जन्म में फिर करूं, ये लोग तो मारेगा ही, ये लोग का तो काम ही है, ये लोग का तो काम ही है, ये लोग भक्ति करने के लिए तो आया नहीं, लूटने के लिए आया है, ठीक है करने दो, काल चर्चा करेंगे हम तो, आपको विश्वास होगा हरि भक्ति विलास में भी उद्धित है, काल हम चर्चा करेंगे। कलौ भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्म रुद्रो पदोत्कृष्टम गुरुना कथितम मम, कलौ भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्म रुद्रो पदोत्कृष्टम गुरुना कथितम मम, काल चर्चा करें। कलो कलिकाल में साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए संत महात्मा का बेस बनाकर हमारा गौर हरि स्वयं आए हुए हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, सर्वमोह भट्टाचार्यों का जो जमात है, सर्वमोह भट्टाचार्यों का जो जमात है इसका नाम है अमोघ, और लड़की का नाम है साठी, षष्ठी व साठी जो भी है, इन ये अपना लड़की का ये पति देवता है, इन्होंने अपना स्वभाव का मुताबिक दूसरे का निंदा करने वाले हैं, और महाप्रभु का बारे में निंदा करने के लिए वो आए हुए हैं, और सर्वोवटे जो उसको घुसने नहीं दिया, बाहर निकल जाओ जाओ बाहर निकल, ये लेकिन ब्राह्मण है, बाईकास्ट ब्राह्मण बाईकास्ट। हमको एक ब्रजवासी ने पूछा एक तो बहुत दिन, कोई ब्रजवासी का साथ मेरा कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ब्रज में रहने इतना दिन में कुछ नहीं हुआ। एक दफे माधुगुरी भिक्षा करने गए आनंदगुरी गांव में, बहुत गांव है अंदर एकदम गोकुल में, तो एक दफे वो ब्रजवासी उपस्थित थे, मैया भिक्षा देती थी, तो बाबा बोले बाबा अब आप बाईकास्ट क्या हो, हमने बोला बाईकास्ट हम शूद्र हूँ, है क्या बोल रहे हैं, क्यों हमको देख के ही तो पता चलता है ना मैं शूद्र हूँ मेरा आचार आचरण, उन्होंने हंस दिया, हमने बोला ही नहीं क्यों बोले कि हमने बोला हमको देख के आप समझ लो मैं शूद्र हूँ, मेरा आचार आचरण कुछ नहीं है, मैं शूद्र हूँ, ना ना फालतू बात करें, तो ये भी बेकार की बात है। श्रीमद् महाप्रभु जी ने अपना आचरण के द्वारा दिखाया, ये अमोघ ने बाईकास्ट ब्राह्मण है लेकिन ये महाखतरनाक आदमी है, दूसरे का दोष देखता है,
अशोक करता है, इतना खाता है। अरे महाप्रभु साक्षात भगवान अनंत ब्रह्मांड जिसका एक एक रोम रोम में है, क्या एक थाली चावल इसका लिए बड़ा बात है? छागल कहीं का, पागल कहीं का, एक थाली चावल है, जगन्नाथ है। ये सर्वमोटे जो जोर जबरदस्ती दिया, प्रभु बोले एक काम करो, दूसरा पात्र लो, चो थोड़ा थोड़ा करके, इतना खाया नहीं, अरे खाओ हैं, जगन्नाथ का मंदिर में अब खाते हो, सौ सौ हजारों भांडो पात्रों, इतना बड़ा बात खा लेते हो, यहाँ एक थाला थोड़ा बहुत ना खाओ। तो महाप्रभु को खाना पड़ा भक्तों का संतुष्टि विधान के लिए। और इतने में ये जो विंडो है ना, दरवाजा में प्रवेश नहीं किए, वो अपना जानला से देख लिया विंडो से देख लिया, अरे इतना खाता है सन्यास, बास हो गया। महाप्रभु जी ने कुछ नहीं बताया, सर्वमोटा जज जो रोना शुरू कर दिया, प्रभु आपको अपमान करने के लिए मैं बुलाया, अपमान करने के लिए आपको बुलाया, आप बूढ़ा क्यों मान रहे हो, बच्चा है, आप बच्चा तो है, ठीक है, आपको रोना शुरू कर दिया और उसको मारने के लिए डंडा उठा के भगाया, वो भग गया। बाद में अमोक का कॉलेरा हो गया, डिसेंट्री कॉलेरा हो गया, वो मर रहा है, ऐसा हालत हो गया वो दो चार घंटा रुके तो मर जाएगा। महाप्रभु जी को खबर मिला, महाप्रभु दौड़ के आया, आके बोले अमोक का पास आया, अमोक को टच किया उसका हृदय में, अमोक अमोक उठो उठो, अमोक ने महाप्रभु का स्पर्श पाकर उठ के बैठा, स्वस्थ महसूस किया, उठ के बैठा, महाप्रभु जी ने बचा दिया। फिर इसके बाद महाप्रभु जी ने बताया, आप तुम तो ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण का हृदय तो निर्मल होता है ना, तो आपने क्यों मास्टर जी चंडाल को बैठाया? सहजे निर्मल यही ब्राह्मण हृदय कृष्णेर बसति ये योग्य स्थल है। महाप्रभु जी ने बताया, देखो अपना आचरण के द्वारा जिन्होंने हिंसा किया, विद्वेष किया महाप्रभु का साथ, इतना खाता है, उसको भी बचाने के लिए महाप्रभु जी ने दौड़ के आया भगवान हमको दिखाने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, हमारा परम शत्रु का अमंगल का चाहत मेरा जिंदगी में पैदा ना हो जाए, ठाकुर जी ऐसा कृपा करें कि मेरा जिंदगी में कभी भी किसी का अमंगल का कामना, यहाँ तक कि जिन्होंने मेरे को अमंगल किया, मेरा बहुत नुकसान किया, बहुत मेरा परम शत्रु का भी अमंगल कामना मेरा हृदय में कभी नहीं आ जाए, ठाकुर जी ऐसा कृपा करें। पापा जी ने विनती की, तो महाप्रभु जी ने आचरण करके दिखाए, गोपाल उठो हो गोपाल, अमो उठो गोपाल, तो यह बोला अद्वैत गोसाई का लड़का निशिंग मंदिर में जब मूर्छित होकर गिर गया, उठो हो गोपाल, यह तो गोपाल नहीं है ना, यह सर्वमोटाचार्यों का अमोग, इसका नाम अमोग, अमोग मीन इनएविटेबल, अमोग को टच किया, बोला उठो। तो अमोग ने जब निर्मल अमोग ने जब स्वस्थ महसूस की, तब महाप्रभु जी ने बताया, सहज निर्मल यही ब्राह्मण हृदय, सहज सरल होता है ब्राह्मण का हृदय, कृष्ण का बैठने का ये अप्रोप्रिएट प्लेस होता है, भगवान श्री कृष्ण का बैठने का एक अप्रोप्रिएट प्लेस होता है। आप ये जो सहज निर्मल यही ब्राह्मण हृदय कृष्णेर बसीते यही योग्य स्थल है, माश्चर्य चंडाल कैने यहाँ बसाइला, पवित्र स्थान कैने अपवित्र कोईला, तुम ये ब्राह्मण के हृदय है सरल स्वाभाविक है, भगवान बैठना चाहता है, भगवान का बैठने का
पक्का जगह है, लेकिन इसी हृदय में आपने मास्टर जो चांडाल को बुलाया और आपका हृदय को खामाखा कंटामिनेटेड कर दिया। क्यों किया, क्यों किया, ये बताओ क्यों किया। सहज निर्मल यही ब्राह्मण हृदय कृष्णेर वशित यही यज्ञ स्थान होय मास्टर जो चंडाल कहने यहां बसाइला पवित्र स्थान कहने अपवित्र कहला। क्यों अपने मास्टर जो चंडाल को बुला के लाए, पवित्र स्थान को अपवित्र किया। भक्त मंडली में ये श्लोक का चर्चा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मास्टर जो चंडाल खनिया बसाएगा परम पवित्र स्थान। क्यों, अगर वैष्णवों का बेस लेकर अंदर में किसी के लिए ईर्षा हिर्ष हिंसा मास्टर जो इतना आ दिया, वो तो आचार्य जो तो दूर की भाई, ये पतित आदमी, ये पतित आदमी है, ये पतित है। मास्टर जो चंडाल कहने यहां बसाइला पवित्र स्थान कहने अपवित्र कहला, ये महापुरुष ने प्रश्न किया। तो फिर विचार क्या बन गया, न मास्टर जो हिंसा देश मास्टर जो दोष त्याग करना जरूरी है। हिंसा विद्वेष मास्टर ये सब लेकर हरिभजन नहीं हो सकता, हरिभजन नहीं हो सकता ना, हरिभजन कभी भी, हरिभजन कभी भी नहीं हो सकता। हरिभजन कभी भी हिंसा विद्वेष से सब लेके कभी हरिभजन होता है? आजकल के जमाने में डिफरेंट सोसाइटी में ऐसा कंपटीशन चल रहा है, विद्वेष चल रहा है, हिंसा, इसी को ही ये लोग भजन समझ के बैठा हुआ है, इसी को ही ये लोग यकीन मानो, आप लोग यकीन मानो, इसी को ही ये लोग भजन समझ के बैठा हुआ है। विद्वेष करना, देश करना, कंपटीशन करना, किसी को मारना, ये इसका हरिभजन हो गया। पैसा को लेना, लूटना, ये सब है। जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है एक हरिभजन करने वाले किसी का ऊपर विद्वेष नहीं करते हैं, चाहे कोई मरने आए मारने। मैं तो साधु नहीं बना, फिर भी मेरे को गला काटने के लिए जो बोला था उसको भी मैं अपना जगह पे रख दिया, रह जा, सिर्फ इतना ही अनाउंस कर दे तू मेरे को छोड़ दिया। मैंने नहीं बोला तेरे को हमने छोड़ दिया, ऐसा भाषा बोला, तू मेरे को छोड़ दिया, मेरा आज्ञा नहीं पालन करना चाहता है, मेरा स्नेह, मेरा जो स्नेह का आज्ञा है ये तू पालन नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे से अलग रहेगा, ये इतना बता दे, मैंने अनाउंस कर दिया, ताकि इन्हें खराब काम करता है तो मेरा बदनामी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसीलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन उसको भगाया नहीं, रह जा, कितना दिन का जिंदगी है, कौन ले जाएगा उठा के, जमीन जायदाद सब ले जा, बट मैं परेशान नहीं हूं। अगर मेरा अंदर में ये सब चीजों का बारे में टेंशन रहता तो मेरा ये हरिकथा सेवा संभव नहीं हो पाता, हरिकथा सेवा संभव नहीं हो पाता, बिल्कुल असंभव हो जाता। और चैतन्य चेतामित में स्कंद पुराण से एक बात उठाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने दिया है, क्या दिया है, नारद जी महाराज जो वैद का जो प्रसंग आता है, जो महाप्रभु जी ने सनातन शिक्षा का विषय में सनातन गोस्वामी को बताया, महाप्रभु काल इस विषय में हम चर्चा करेंगे, आप टाइम कम है। महाप्रभु जी ने खुद बताया एक कहानी, एक कहानी नहीं है ये, ठीक है, पुराण का बात है, स्कंद पुराण का। महाप्रभु जी ने बताया नारद जी एक दफे इलाहाबाद का रास्ते में, त्रिवेणी संगम का रास्ते में जंगल से जा रहा था, गुजर रहा था, इतने में एक वैद्य चिल्ला उठा, ए क्यों आप इधर आए? बोले मैंने कौन सी गलती कर दी महाराज? बोले मेरा टारगेट छोड़ गया,
मेरा टारगेट खो गया ना, अरे गलती क्या करे, हमको तो मालूम नहीं था। इसका बात बहुत सारे घटना कहानी है, हम काल हम बताएंगे, सिर्फ इतना ही आज बताएंगे। वैद्य का जो शिकारी का इतना निर्मल स्वभाव बन गया कि एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हम वैष्णव धरण लिया, वर्ल्ड में प्रचार किया है, संन्यास लिए सब, अब मैं किसी को मारने के लिए तैयार हूं। कब किसी को मारे, पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार हूं, यही मेरा चरित्र है, मेरा चरित्र ही है। अब दुनिया का आदमी मेरे को साधु मानता है, क्योंकि बड़ा मंदिर है, सब कुछ सोसाइटी है, यही तो साधु है। बक्शीदास बाजी महाराज का कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, शिष्य नहीं, विदेश क्या साधु है, धर यही साधु है। गौरकिशोर बाबा का साधु है, साधु तो ये है, है? कितना मंदिर बना दिया, 75-60 मंदिर, 70 मंदिर, 80 मंदिर बना दिए, यही तो साधु है। कितना लाखों आदमी को चीट कर रहा है, यही तो साधु है ना, यही को साधु बनना चाहिए ना, साधु तो इसी को मानना चाहिए। कितना लाखों को मार डाला, गलत बात बताकर मिसगाइड किया, यही तो साधु है। दुनिया के ये विचार है। महाप्रभु जी ने ये बात उठाकर स्कंद पुराण का बताया, नारद जी ने वैद्य का इतना निर्मल स्वभाव देखकर बड़ा आनंद हुआ। जब अपना दोस्त पर्वत मुनि ने पूछा, अरे ये ऐसा कैसे हो गया, वेदो वैद्य को बताया, एते नहि अद्भुता व्याध तब अहिंसादय गुणः हरि भक्तौ प्रवृत्ता जे नौते सुपरतापिनः। क्या बताया, हे वैद्य, यही स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल नॉर्मल दैट वन हु इज एंगेज इन हरिभजन नेवर ट्राई टू गिव एनी पेन टू एनी बॉडी। नारद जी ने बताया, ये वैद्य, ये कोई आश्चर्य बात नहीं है, हरिभजन में जो लगे हुए हैं ये लोगों के लिए अहिंसा स्वाभाविक धर्म है, अहिंसा परम धर्म नहीं है, ये स्वाभाविक धर्म है। क्यों, हरि भक्ति हरि भजन में लगे हुए आदमी कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है। आ गया ना विचार, अभी मठ मंदिर में खून खराबा चल रहा है, ये उसको मारे, ये उसको मारे, ये उसको बदनामी करे, यही चल रहा, यही भक्ति है, इसी का नाम भक्ति है। आहा महाराज क्या कहूँ, इसी का नाम भक्ति है। खून खराबा हो जाए, मारपीट हो जाए, इसको भगाओ, मेरा तो कहना है कि ये लोग घर चले जाए, दो दो चार चार शादी कर ले, मठ में ना रहे, चले जाए मठ से, दफा हो जाए, बदनामी करने के लिए आए हुए हैं, चले जाए लोग, मंदिर खाली रहे, भक्ति में ठाकुर का आदेश के अनुसार, हराम खोर सब। एते नहि अद्भुता व्याध तब अहिंसा दयो गुणः हरि भक्तौ प्रवृत्ता जे नौते सुपरतापिनः। हम काल चर्चा करेंगे इस विषय में, क्षमा करें अब समय नहीं है, आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, काल खुल्लम खुल्ला चर्चा करेंगे। तुलायाम लवेनापि न सर्गम न पुनर्भवम भगवत संगे संगस्य मर्तानां किमुताशिषः वांछकल्पतरुषि कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।